हेलो दोस्तों, आज खाने की रेसिपी है प्याज और भिंडी की सब्जी। ये रेसिपी बहुत आसान है, खाने में स्वादिष्ट है और हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम कटी हुई भिंडी, एक मीडियम साइज कटी हुई प्याज, दो कटी हुई हरी मिर्च, एक नींबू, यहाँ आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी बहुत हींग, थोड़ा हल्दी पाउडर, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और एक बड़े चम्मच तेल। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, मीडियम फ्लेम करेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये मिर्च हमारी काली हो जाएगी। उसके बाद इसमें हम कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। हमें थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करना है, थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहेंगे। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। सब हमें मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, और प्याज को हमें 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करना है। फिर इसमें हम नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम कटी हुई भिंडियां डालेंगे। भिंडियों को प्याज के साथ मिक्स करेंगे, नींबू का रस निचोड़ेंगे, प्याज के साथ इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी हमें, और इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ढककर रख देंगे। फिर 5 से 7 मिनट के बाद हम इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। अब हमारी लजीज भिंडी और प्याज तैयार है। आप इसे दही के साथ मजा लेकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।